लास्ट लेक्चर हमने ये पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से पास होने वाली फील्ड लाइंस, किसी भी कंडक्टर के अंदर से पास होने वाली फील्ड लाइंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? बात समझ में आ रही? मतलब सपोज करो कि मेरे पास कोई कंडक्टर है लाइक दिस, ये बुक है, ये कंडक्टर, इसमें से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी दैट फील्ड लाइंस इज ए फ्लक्स। ओके, तो उसी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए गॉस थ्योरम ने अपनी थ्योरम बनाई जिसमें उन्होंने दिस थ्योरम शोज द रिलेशन बिटवीन, आपने ये लिख लेना है पॉज करके, द थ्योरम विच शोज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस एरिया विद नेट चार्ज, विद नेट चार्ज। मतलब गॉस थ्योरम ने एक ऐसी स्टेटमेंट बनाई, एक ऐसा थ्योरम बनाया जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और नेट चार्ज का रिलेशन बनाया। गॉट इट? तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके सीबीएसई बोर्ड ऑफ एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये और इसकी तीन एप्लीकेशंस आज हम करेंगे, उन तीनों एप्लीकेशंस को पढ़ते हुए आपको इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। अगर वीडियो में कुछ कमी लगे तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। गॉस थ्योरम states that the total flux हो गया आपका phi e, total flux क्या हो गया बेटे phi e through a closed surface। याद रखना कि जो भी आप सरफेस लोगे वो सरफेस हमेशा क्लोज होना चाहिए, ओपन सरफेस में कभी भी गॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। Through a closed surface is 1 by epsilon naught, याद है हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था 1 by epsilon naught times the net charge in closed surface, मतलब किसी भी enclosed surface के अंदर पड़े हुए चार्ज, मान लो क्यू चार्ज पड़ा है, ये उसका 1 by e naught times। क्लियर? तो मैथमेटिकली we can write net flux आपने बनाया e into delta s, ये साइन हो गया बेटे इंटीग्रेशन का, क्लोज सरफेस के लिए इसके ऊपर मैंने लूप लगा दिया। क्या प्रूव किया था आपने? cos थीटा, net flux equal to 1 by epsilon naught टू द नेट चार्ज, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसी भी सरफेस के अंदर पड़ा हुआ नेट चार्ज का 1 by epsilon naught times is called as a electric flux। याद रखना 1 by epsilon naught की वैल्यू आपने याद की थी 8.85 into 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? याद रह जाए, नोट कर लिए इसको। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। इसके प्रूफ में आप लोग देखिए कि आपको क्या प्रूफ करना है, कि सबसे पहले मैंने आपको कहा कि क्लोज सरफेस, द क्लोज सरफेस इज दिस, दिस इज अ क्लोज सरफेस ऑफ रेडियस आर, आप अपनी स्टेटमेंट बनाएंगे कंसीडर ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर हैविंग द नेट चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर ओ, ds इज अ गॉसियन सरफेस, एक
नई टर्मिनोलॉजी आई है गॉसियन सरफेस, मतलब एक वो सरफेस जिसके अंदर हम क्लोज चार्ज का एक पैमाना लेते हैं, मतलब एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। एस इज ए स्फेरिकल सरफेस, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटे 4πr, ऐसा आपको पता। डायग्राम बनाइए, इस डायग्राम में आपको लिखना है कंसीडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हैविंग अ रेडियस r, हैविंग अ रेडियस r, द इनसाइड द गॉसियन सरफेस देयर इज चार्ज q, ds इज ए गॉसियन सरफेस, वी विश टू डिटरमाइन द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमें प्रूफ क्या करना है, फाइ ई ई इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। ओके, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, तो अब यहां देखिए एक चीज जो आप हमेशा याद रखें, जिस डायरेक्शन में आप आर दिखाएंगे उसी डायरेक्शन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। इस बात को बार बार बोलो, जिस डायरेक्शन में आर रहेगा उसी डायरेक्शन में उसका सरफेस एरिया, उसी डायरेक्शन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो अब आप देखिए इसका प्रूफ, क्लियर? तो वेयर वी हैव E is a electric field intensity F upon me Q naught। तो हमने जब इसको प्रूफ किया था 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square, first lecture phi E E into delta S into cos theta, इस पोर्शन से हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन में सरफेस एरिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में एंगल क्या हो गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में, थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 degree, ई डेल्टा एस कॉस 0, ई 4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, डेल्टा एस इज एस, एस इज सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे 4πr2, 4π से 4π, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो नेट फ्लक्स आपका कितना आ गया क्यू बाय This is a proof of Gauss theorem। अब जब हम Gauss theorem को पढ़ते हैं तो कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है, पहले इसको नोट करें। जब हम Gauss theorem को पढ़ते हैं तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। सबसे पहला जो मैंने शुरू में बताया कि Gauss theorem इज वैलिड फॉर क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप, मतलब सरफेस क्लोज होना जरूरी है। सेकंड, अगर सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है, यहां पे चार्ज पड़ा है तो इसके गॉस थ्योरम, इसके फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर यहां पे चार्ज पड़ा है इस चार्ज से इसके फ्लक्स पे कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब चार्ज यहां होना चाहिए। इफ द नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस इज 0, तो चार्ज 0 हो, अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई समथिंग 0 अपॉन समथिंग फ्लक्स भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट, द फ्लक्स नेवर चेंज ड्यू टू अ चेंज ऑफ एरिया, एरिया आप कितना भी बड़ा कर दें इसके सरफेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब फ्लक्स पे कोई, मान लो कि आपने चार्ज मैंने 5 कूलम रख दिया, ठीक, सरफेस को आपने इतना बड़ा कर दिया तो चार्ज के अंदर 5 ही कूलम रहा, तो इसके फ्लक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आपने छोटा कर दो तो भी तो अंदर 5 कूलम ही पड़ा है। बड़ा छोटा करने से, सरफेस एरिया बड़ा करने से फ्लक्स पे कोई फर्क? हाँ, अगर चार्ज को 10 कूलम कर दिया और 2 कूलम यहाँ रह गया और सरफेस आपने छोटा कर दिया, अब ये वर्जिन सरफेस इतना है, 2 कूलम बाहर रह गए तो फ्लक्स पे डायरेक्ट। यहाँ से आप देख सकते हो कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ओके, अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा डायग्राम। आप यही यूज कर लेंगे, टॉपिक है हमारा आगे वाला कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस थ्योरी। डायग्राम में आपको छोटा सा चेंज करना है, कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस थ्योरी। आपने देखो इस गॉसियन सरफेस में इस चीज को हटा दें, डायग्राम आप यही बना लेंगे, वही डिस्क्रिप्शन कि कंसीडर ए स्फेरिकल सरफेस, देयर इज ए रेडियस आर एंड दिस दिस दिस। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, एक टेस्ट चार्ज रख दिया, दैट इज क्यू। कूलम्स लॉ आपको पता ही है क्या था, कूलम्स लॉ हमारा ये है एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, चार्ज ने यहाँ पे आना है using Gauss theorem, using Gauss theorem। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है आपके पास, बोले E डेल्टा S cos 0, क्योंकि E और डेल्टा S दोनों ही सेम डायरेक्शन में, इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। ओके, E इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डेल्टा एस का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटे, एस कॉस 0 का क्या हो गया 1, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। ई की वैल्यू हम यहां से बनाएंगे एस 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन। ई 4 पाई इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, या गया। अब आपको प्रूफ क्या करना है, वी नो दैट ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। एफ इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज अ कूलम फोर्स, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय मास। लेक्चर रिमाइंड करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, क्यू क्यू नॉट अपॉन में मास। लेक्चर को पॉज करें और अच्छे से इसे नोट करें, और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ गॉस लॉ। इस टॉपिक को आपने बहुत ही अच्छे से करना है, समझना है और एनसीईआरटी इसकी पढ़नी है, और हम इसके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे।